हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ चिक पढ़ा था जो कि पूरा हो गया था। हमने बताया था कि चिक का डेवलपमेंट एम्ब्रियो से लेके और एडल्ट तक किस प्रकार से होता है और बीच में उनमें क्या क्या स्टेप्स पाए जाते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन। एक वयस्क तीन जनन स्तरों से विकसित एक ऐसा बहुकोशीय जीव होता है जिसमें विविध प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। एक वयस्क स्तनी जंतु पर अगर अपन देखें तो इसके शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, अनेक प्रकार के श्वेताणु, हृदय पेशी कोशिकाएं, आंतरांग पेशी कोशिकाएं, ऐच्छिक पेशी कोशिकाएं, वृक्क कोशिकाएं, त्वचीय कोशिकाएं आदि अनेक प्रकार की संरचना, कार्य व रासायनिक संगठन वाली हजारों कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके विपरीत इन जंतुओं के प्रारंभिक भ्रूण चंद कोशिकाओं के बने होते हैं जो लगभग एक साथ प्रतीत होते हैं। इस अवस्था से वयस्क का निर्माण परिवर्तन अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसे गहनता से नियंत्रित किया जाता है। मोटे तौर पर परिवर्तन में चार प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि यानी कि विभाजन, सेकंड ग्रोथ, थर्ड कोशिकाओं में मूवमेंट और फोर्थ कोशिकाओं के स्वरूप में परिवर्तन। तो कोशिकाओं के एक दूसरे से भिन्न हो जाने व अपनी प्रारंभिक अवस्था से भिन्न हो जाने के प्रक्रम को ही हम विभेदन कहते हैं। एक भ्रूण स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकता क्योंकि इसके अंग फंक्शनल नहीं होते। जिस प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण के भाग क्रियाशील या कार्यात्मक हो जाएं, उसे हम विभेदन कहते हैं। इस तरह गहराई पर जाने पर हम पाते हैं कि विभेदन का आशय यहाँ न सिर्फ कोशिकाओं के स्वरूप के परिवर्तन से है बल्कि कुछ ऐसे परिवर्तन से भी है जिनके कारण कोशिका कार्यकीय जैव रसायन की दृष्टि से विशिष्ट हो जाती है। तो विभेदन को हम तीन प्रकार से तीन स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मोर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। आकारिकीय विभेदन से आशय कोशिकाओं में आकृतिक परिवर्तनों से हैं। ये सामान्य दृश्य या दिखाई देने वाले परिवर्तन हैं जिनके कारण कोशिकाएं एक दूसरे से अथवा पहली अवस्था से भिन्न दिखाई देने लग जाती हैं। कोशिकाएं ऐसा किसी विशिष्ट कार्य संपादित करने हेतु करती हैं। उदाहरण के लिए पेशी कोशिकाओं में लंबे प्रवर्तों का निर्माण तथा ट्रैकिया की उपकला में पक्षमाप का निर्माण यह बनना। इस प्रकार का विभेदन का प्रतिनिधि नहीं है क्योंकि यह संभव है कि कुछ कोशिकाएं आकार की दृष्टि से भले ही विभेदित न हुई हो फिर भी प्रत्येक कार्य संपादित करती हैं। सेकेंड है फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन। अनेक बार कोशिकाएं इस प्रकार विभेदित होती हैं कि उनमें आकार की दृष्टि से परिवर्तन नहीं दिखाई देता। उदाहरण के लिए ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा स्रावित पदार्थ कोशिका से बाहर विसरित हो जाते हैं। इस प्रकार कोशिकाएं यदि फिजियोलॉजी की दृष्टि से रूपांतरित हो जाएं तो इसे हम कहते हैं कार्यकीय विभेदन। थर्ड है बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन। हम जानते हैं कि भ्रूण सभी कोशिकाओं में एक समान ही गुणसूत्र व जीन पाए जाते हैं। इसके उपरांत भी अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। चाहे वे श्रावण करें या किसी विशेष पदार्थ का संश्लेषण करें या इन कार्यों को संपादित करने हेतु विशेष प्रकार के एंजाइम प्रोटीन अणु से ही बने होते हैं। अतः उपरोक्त परिभाषा को रूपांतरित कर यूँ भी कहा जा सकता है कि विशिष्ट प्रोटीन प्रतिरूपी की उत्पत्ति ही विभेदन है। इस प्रकार विभेदन की जैव रासायनिक आधार पर समझते हुए परिभाषित करते हैं। विभेदन किसे कहा जाए जान लेने के उपरांत हम विभेदन की प्रक्रिया को जानते हैं और ये प्रक्रिया कैसे होती है। इनमें कुछ विशेषताएं विभेदन की कुछ विशेषताएं होती हैं जैसे फर्स्ट डिस्क्रीटनेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब विभेदन होता है तो ये दो प्रकार की विभेदित कोशिकाओं या ऊतकों के मध्य इंटरमीडिएट यानी ऐसी कोशिकाएं नहीं मिलती है जो दोनों ऊतकों से मिलती जुलती हो। उदाहरण के लिए आंत से जुड़े यकृत व अग्नाशय की कोशिकाएं एकदम अलग की होती हैं। ऐसा नहीं है कि जहां अग्नाशय आंत से मिलता है वहां अग्नाशय में आपकी मध्यवर्ती गुण व संरचना वाली कोशिकाएं मिलती हों। इस प्रकार कोशिकाओं की संरचना कार्यकीय व जैव रासायनिक संगठन में कोई सतर्कता नहीं पाई जाती। सेकेंड है स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंशिएटेड स्टेट। सामान्यतः एक बार विभेदित हुई कोशिकाएं अपने स्वरूप में परिवर्तन नहीं करती हैं न किसी अन्य प्रकार की कोशिकाओं में भी परिवर्तित नहीं होती हैं। इस प्रकार उपकला कोशिकाएं उपास्थि कोशिकाएं नहीं बनाती हैं और अस्थि कोशिकाएं पेशियों में परिवर्तित नहीं होती हैं। इस स्थायित्व की प्रकृति में मात्रा में अंतर जाति के आधार पर हो सकता है। विभेदित कोशिकाओं के सामान्य परिवेश में परिवर्तन आने से यह स्थायित्व भंग भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यूरोडियल जंतुओं में यदि आँख का लेंस न हटाया जाए तो आँख के आइरिस की वर्णकयुक्त कोशिकाएं विभेदित ही रहती है, परंतु यदि लेंस निकाल लिया जाए तो आइरिस की पश्च सीमा की कोशिकाएं वर्णक भीन होकर नए लेंस को जन्म देती हैं। थर्ड है स्पेसिफिसिटी ऑफ सेलुलर एसोसिएशन। विभेदित कोशिकाओं में परस्पर एक दूसरे को पहचान कर उनके साथ ही रहने की प्रवृत्ति होती है।
ऐसे ऐसे कोई पहचान का चिन्ह इन पर उपस्थित होता है। इस प्रकार भ्रूण से निकली गई विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को एक संवर्धन माध्यम में मिला दिया जाए तो यह कुछ समय बाद अपनी जैसी कोशिकाओं के साथ झुंड बनाती है। एक प्रयोग में एम्फीबिया के गैस्ट्रुला के 3 जनन स्थलों की कोशिकाओं को फर्स्ट ए के अनुसार व्यवस्थित किया गया। कुछ समय बाद संवर्धन माध्यम में पाया गया कि कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार से संबंध हो गई हैं। बाहर की ओर एक्टोडर्म, अंदर की ओर एंडोडर्म कोशिकाएं थी और मध्य में मेसोडर्म कोशिकाएं पाई गई। विभेदन पूर्णियावस्था में, भ्रूणियावस्था में अथवा पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो सकता है। विभेदन किसी कोशिका में जब बाह्य कोशिका के इंडक्शन से होता है तो उसे डिपेंडेंट डिफरेंशिएशन कहते हैं, और कोशिकाएं स्वतः विभेदित होती है तो इसे सेल्फ डिफरेंशिएशन कहते हैं। विभेदन की क्रिया के बीच ही कोशिकाएं विभाजन भी कर सकती हैं। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। फर्स्ट है कोशिकाओं में गति के कारण परिवर्तन। अप्राकृतिक रूप से व्यवस्थित गैस्ट्रुला कोशिकाएं। सेकेंड है कोशिकाओं में गति के कारण परिवर्तन, और थर्ड है अंत प्राप्त व्यवस्था। तो विभेदन की क्रिया के बीच कोशिकाएं विभाजन भी कर सकती हैं, ये कभी कभी विभेदित होना बंद भी कर देती हैं, और बाद में उचित उद्दीपन मिलने पर पुनः विभेदित होना भी प्रारंभ कर देती हैं। तो विशिष्ट परिस्थितियों में विभेदित कोशिकाएं डी डिफ्रेंशिएट व री डिफ्रेंशिएट भी हो सकती हैं। डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी के अनुसार विभेदन के 2 आशय हो सकते हैं। इन दोनों का आशय ही भ्रूण में बढ़ती संरचनात्मक जटिलता से है, परंतु विश्लेषणात्मक भ्रूणिकी के दृष्टिकोण से विभेदन में जैव रासायनिक विभेदन तथा इसके पीछे निहित कारण व क्रियाविधि महत्वपूर्ण है। भ्रूण से विशिष्ट आकृति के अंगों व जंतु के निर्माण के लिए आवश्यक है कि कोशिकाएं विशिष्ट स्वरूप आकृति में व्यवस्थित हों, इसे मोर्फोजेनेसिस कहा जाता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण है इन कोशिकाओं में संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैव रासायनिक विशेषता उत्पन्न होना। इस क्रिया को हम कहते हैं हिस्टोजेनेसिस। तो इस प्रकार जो है डिफरेंशिएशन में कोशिकाओं में ये सभी स्टेप्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिससे कोशिकाएं जो हैं उनको उद्दीपन मिले और वो उस ऑर्गन को बनाने के लिए डिफरेंशिएट हो। तो डिफरेंशिएशन में आज इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।